अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो मैं परदेसी का सलाम आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ किंग ऑफ मौसीकी, किंग ऑफ कवाली। चलिए देखते हैं राहत फतेह अली खान, कोक स्टूडियो सीजन 12, दम मस्तम। 1, 2 and 3, देयर वी गो। मंदड़ी नू सीने लाके मेरे भाग जगा दे, तेरे आया
तो कहाँ से शुरू किया जाए? राहत फ़तेह अली ख़ान की ऐसी कौन सा कलाम है जो या ट्रैक जो उन्होंने कहा है जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब हो सके। बहरहाल ये कोक स्टूडियोज सीज़न 12 में राहत फ़तेह अली ख़ान ने द मस्तम पढ़ा था और रोहेल हयात ने इसको डायरेक्ट किया था। या द मस्तम, जिसका लिटरल मतलब है कि मेरा दम यानी कि मेरा सांस जो है वो मस्त है, यानी कि मैं इस कह सकते हैं कि लाइक माई ब्रेथ इज इंटॉक्सिकेटेड, कि वो उस उनकी मोहब्बत में मेरा जो है दिल है वो दिमाग और मेरी रूह और मेरा सांस वो इंटॉक्सिकेटेड है। धमाल पड़ती है अगर आपको इन जैसे जिक्र किया हुआ है इसमें लाल शाहबाज कलंदर जो रसूल पाक के और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर थे और बहुत उनके लिए वो उनके कह लीजिए कि जैसे उन्होंने कहा कि वज़ीर थे, तो उनके मज़ार पे धमाल पड़ती है। और धमाल को अंडरस्टैंड करने आप भी हर एक इंसान का काम नहीं है। धमाल इटसेल्फ जो है वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एनी काइंड ऑफ, आप उसको डांस नाउज़ बिला नहीं कह सकते या आप उसको कोई रक्स किसी किस्म का कोई नाम नहीं दे सकते। धमाल एक ऐसा क्या कह सकते हैं मोमेंट है जो उस वक़्त उनकी दिमाग में आप लेके, जैसे आपने टर्किश धमाल भी जो देखी होगी उसमें आप उसमें गुम हो जाते हैं। वो एक आशिकी का एक सबसे ऊंचा पॉइंट है जिसको आप जो मेरी समझ में आता है। बाकी आप लोगों के कमेंट्स हमेशा बहुत हेल्पफुल होते हैं, सो आई वुड लाइक दैट। शान मर्दा शेर यजदा कुवत परवरदिगार, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं शान अली के लिए, हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी जो तलवार थी ज़ुल्फ़िकार वो बहुत, आपको भी पता है, बहुत ही खूबसूरत थी। उनको नबी का वज़ीर उन्होंने कहा, और वाकई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते ही हैं कि हज़रत अली को बहुत प्यार करते थे। हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एहतराम का दर्जा वो रखते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि खून का रंग, तो हज़रत लाल शाहबाज कलंदर को हम लाल शाहबाज इसलिए कहते हैं कि उनको रंग लाल बहुत पसंद था, और इसी वजह से वो लाल शाहबाज कलंदर कहते हैं। और वो आके वहाँ पर बस गए थे और उन्होंने इस्लाम को 14th सेंचुरी, आई थिंक इफ आई एम नॉट वेरी मिस, 13th या 14th सेंचुरी की है, उस ज़माने में इन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा फैलाया था। और लोग उधर जाते हैं उनके मज़ार पे, और जो अकीदत है और जो धमाल है वो वहाँ पे होती है। बाकी राहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में कुछ भी कहना, उनकी शायान शान में नहीं समझती। हमारे पाकिस्तान का प्राइड है, इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। It was a beautiful
कलाम जो एंड में जाके कवाली की तरह हो गया। शुरू में थोड़ा लो टोन था अगर आपने देखा हो, और एंड में फिर वो थोड़ा ऊंचा होता गया कवाली की तरह से, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको अदा किया है। मुझे तो बहुत पसंद आया, आई होप कि आपको भी पसंद आया हो। टिल देन, जय हिंद परदेसी, मैं जस्ट सरोक।